हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिस इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक, और ये है बहुत ही ग्लोई येट सिंपल मेकअप लुक एंड बहुत ही गॉर्जियस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आईज पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हल्का सा स्मोक किया है विद ग्लिटर। तो चलिए देख लेते हैं आज ये मैंने लुक किस तरह से की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, ये है मेरी बेयर फेस, आप बिल्कुल घबराना मत, इसको हम बनाएंगे खूबसूरत। सबसे पहले मैं आज यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल की ये ब्राउ पोमेड, बहुत ही अच्छा एक अफोर्डेबल ब्राउ पोमेड है। अगर आप शादी के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एनास्थेसिया बेबरी हिल्स की तरह ही बहुत ही खूबसूरत सा है। तो इसके साथ मैं मेरे ब्राउ को फिल कर ली है, अब मैं मेरे आईलिड को प्रेप कर रही हूँ एंड मैं ब्राउज को सर्व कर रही हूँ विद ए कंसीलर। आज मैं आई शेडो के लिए यूज़ करूँगी ये मेकअप रिवोल्यूशन टमी एक्स ट्रॉपिकल पैराडाइज पैलेट। ये बहुत ही अच्छा एक अफोर्डेबल आई पैलेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा सेड है। इसमें से मैं एक कलर उठा के इसको मैं एज ए ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर रही हूँ पूरे लिड पे, आप इसमें देख ही पा रहे हो। नेक्स्ट मैं एक कूल डार्क ब्राउन शेड को लेके इसको मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं करूँगी, आपको सिर्फ अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। फ्रेंड, आज मैं जो लुक करूँगी थोड़ा सा स्मोकी आई बट बहुत ही सिंपल सा, तो इसीलिए मैं ब्राउ पोमेड को ले ली है एज ए स्मोकी आई बेस करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा होते हैं, इसको मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ वो जो क्रीज पे मैंने कलर अप्लाई की थी उसके साथ, अच्छे से ब्लेंड कर देना। फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट हल्के हाथों से आप ब्लेंड कर दो। ब्राउन कलर आई शेडो को लेके इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अब मैं एक फ्लॉफी ब्रश उठा ली है और मैं सभी आई शेडो को अच्छे से हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ, जस्ट मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिड कॉस्मेटिक की ग्लिटर उठा ली है, इसकी शेड है बीची बेबी एंड मैं पूरे लिड पे इसको अप्लाई कर दूंगी। गोल्डन स्मोकी आई लुक बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इंडियन ब्राइडल में गोल्डन ही चलता है। देन आपको कर लेनी है एक सुंदर आईलाइनर लुक, बहुत ही सुंदर एक विंग लाइन मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी विद नायका की जेल लाइनर, बहुत ही अच्छा जेल लाइनर है। फ्रेंड, बस फ्रेंड अभी मैं आई पे और कुछ भी नहीं करूँगी, अब चलते हैं फेस की ओर। फेस को मैं पहले यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ विद ए वेट वाइप्स। नेक्स्ट मैं फेस को प्रेप करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्स की ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये आपके फेस को हाइड्रेटिंग करेगा, अगर आपकी फेस बहुत ही ऑयली है तो आपके लिए ये परफेक्ट है, और अगर आपकी फेस ड्राई है तो इसके ऊपर आप कोई भी और एक मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फेस में हेल्दी सा ग्लो लाने के लिए मैं यहाँ पे मेकअप रिवोल्यूशन की लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अंडरनीथ माई मेकअप। इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बर की ये प्राइमर, बहुत ही अच्छा एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। फ्रेंड, आपकी फेस को एक ब्लर इफेक्ट देता है, उसके साथ साथ आपकी फेस को बहुत ही अच्छे से प्राइम भी करता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर सफर एल पैलेट में से, तो मेरे फेस में जहाँ पर भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसको छुपाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ करूँगी क्रायलॉन टीवी फैन स्टिक, अगर आप ब्राइड हो तो आपके लिए ये मस्ट है। बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है इसकी प्राइस और बहुत ही लो भी नहीं है, ठीक ठाक प्राइस है, आप अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि ब्राइड के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं मेरे अंडर आई पे हाइलाइटिंग कर रही हूँ एक हाइलाइटिंग कंसीलर के साथ, आपके पास जो कुछ भी कंसीलर है आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं नोज़ को भी थोड़ा सा हाइलाइट कर लूँगी, जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है उस एरिया पे मैं कर लूँगी। अभी मैं कंटूर कर रही हूँ क्रीम कंटूर। मेरी तरह अगर आपकी भी थोड़ा सा चबियर फेस है उसको थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए आप भी ये क्रीम कंटूर कर सकते हो। एंड देन मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग। फ्रेंड, आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे सब कुछ प्रोडक्ट को तो उतना अच्छा ही आपको फिनिशिंग मिलेगा। टेक योर टाइम टू ब्लेंडिंग। फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको स्पीड में दिखा रही हूँ बट आप टेक योर टाइम। सभी क्रीम प्रोडक्ट को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेने बनाना पाउडर, इसके साथ मैं अंडर आई को थोड़ा सा बेकिंग कर लूँगी एंड पूरे फेस में हल्के हाथों से मैं पाउडर अप्लाई कर लूँगी क्योंकि फ्रेंड गर्मी है, आपको अच्छे से पाउडर सेट करना है। अगर आप विंटर में शादी कर रहे हो तो आप थोड़ा सा कम पाउडर यूज़ करना। देन यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट आउट कर रही हूँ एंड आई के तरफ चल रही हूँ। मैं यहाँ पे नायका की जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ एज ए काजल, इसको मैं थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ एंड देन मैं एक ट्रांजिशन कलर लेके मैं जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ आई के नीचे पर।
इनर कॉर्नर की तरफ मैं थोड़ी सी एक ब्रॉन्जी गोल्डन शेड को लेके मैं प्लेस कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए। और यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर की जो आईलाइनर है उसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, इससे आपकी आईज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अभी मैं ब्राउ के नीचे पर ब्राउ बोन पे एक हाइलाइटर शेड अप्लाई कर रही हूँ फॉर हाइलाइटिंग माई ब्राउ बोन। लास्ट में मैं मस्कारा एंड लैसेस को भी अप्लाई कर लूँगी, तो आप भी ज़रूर मस्कारा एंड लैसेस भी अप्लाई कर लेना। अभी मैं जो क्रीम कंटूर करी थी उसके ऊपर मैं पाउडर कंटूर से सेट कर रही हूँ, इससे आपके कंटूर भी हो जाएंगे एंड जो क्रीम कंटूर था वो भी सेट हो जाएंगे। कंटूर को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कंटूरिंग के नीचे पे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ब्लश के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की ब्लश, इसको शेड मुझे अभी नहीं पता, मैं सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, मैं कौन कौन प्रोडक्ट मैं यूज़ करी हूँ सब कुछ मैं दे दूंगी, सो आप चेक कर लेना। अभी ये सब कुछ मेकअप को मैं सेट करूंगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की सेटिंग स्प्रे। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की प्रीशियस पेटल्स हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है फ्रेंड। मैं बहुत दिनों से इसको नहीं यूज़ कर रही थी बट एफोर्डेबल में ये बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद सकते हो। देख ही पा रहे हो आप इसकी ग्लो, आप ब्राइड हो और लिपस्टिक में आपको चाहिए एक रेड लिपस्टिक, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक की रूबी ब्लू लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा एक कल्ट फेवरेट लिपस्टिक है। तो आप अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप कोई भी रेड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। ये है फ्रेंड फाइनल मेकअप लुक और मैं यहाँ पे एकदम से चेंज हो जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी मैं कैसी लग रही हूँ। फ्रेंड आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं, मैं सभी को सोचकर ही ये वीडियो बनाई हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप खुद की शादी में खुद ही सजना संवरना चाहते हो तो ये सिंपल लुक है, आप सभी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, आप अगर लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगा है। तो नीचे कमेंट करके बताना मैं कैसे लग रही हूँ और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बाय, टाटा।